आज का पहला प्रश्न है हमारा, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, अमृत लाल नागर, विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है हमारा विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है हमारा, सागर लहरें और मनुष्य किसका उपन्यास है? ऑप्शन है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शरद पगारे, उदय शंकर भट्ट। राइट आंसर है हमारा उदय शंकर भट्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत लाल नागर का कौन सा उपन्यास दहेज समस्या पर आधारित है? ऑप्शन है खंजन नयन, बिखरे तिनके, करवट, अग्निगर्भा। राइट आंसर है हमारा अग्निगर्भा। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत लाल नागर के उपन्यासों को किसने गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजीव सक्सेना, शरद पगारे, रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर है हमारा रामविलास शर्मा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत लाल नागर के किस उपन्यास में बंगाल के काल की त्रासदी का चित्रण हुआ है? ऑप्शन अमृत और विष, शरद, शतरंज के मोहरे, सेठ बाकेलाल और महाकाल। तो राइट आंसर है हमारा महाकाल। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत लाल नागर का कौन सा उपन्यास दलित समाज पर केंद्रित है? ऑप्शन है पीढ़ियाँ, नाचो बहुत गोपाल, अग्निगर्भा और मानस का हंस। तो राइट आंसर है हमारा नाचो बहुत गोपाल। अगला प्रश्न है हमारा, अमरकांत का उपन्यास इन्हीं हथियारों से को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है 2004, 2005, 2007 या 2009। तो राइट आंसर है हमारा 2007। अगला प्रश्न है हमारा, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ दिया गया? ऑप्शन है 2005, 2006, 2007 या फिर 2009। तो राइट आंसर है हमारा 2009। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, झरोखा, कड़ियाँ और तमस किसके प्रसिद्ध उपन्यास हैं? ऑप्शन है देवराज, जैनेन्द्र, भीष्म शाहनी, जयशंकर द्विवेदी। राइट आंसर है हमारा भीष्म शाहनी। अगला क्वेश्चन है हमारा और अंतिम क्वेश्चन है, एक रात का नाटक किसका उपन्यास है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर या अमरकांत। तो राइट आंसर है हमारा उपेंद्र नाथ अश्क।